हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बनारसी ब्लॉगर पूजा। तो यहाँ पे हम लोग जो जमाल हो गया वहाँ से आके घर मतलब रूम में बैठे, जो जहाँ पे होटल बुक था तो यहीं से हम लोग रेडी होके गए थे। तो यहीं आराम कर रहे बुआ जी, मेरी भाभी, मतलब सारे लोग जितनी लेडीज़ यहाँ के बैठ गए, क्योंकि अब हम लोग को घर निकलना है। तो कुछ चीज़ें वेट हो रहा है गाड़ी वाले का, कहीं गए थे वो जो ड्राइवर भैया थे। तो बस अब हम लोग घर निकल रहे हैं। अब यहाँ पे हम दुल्हन का वेलकम के लिए ढेर सारे रास्ते में से फूल ले आए थे, मेरा भैया खरीदा था। तो यहाँ पे गेंदे का ही फूल मिला है। ऐसे तो मुझे बहुत सारे फूल चाहिए थे, पर हो गया, गेंदे का ही मिल गया इतने में ही। नई दुल्हन का मुझे स्वागत करना है अच्छे से, मतलब फूल में भी मेरी ज़मीन पे ना रखे दुल्हन, फूलों पे पैर रखे मेरी देवरानी। तो यहाँ पे पता है ये जो है पैर कलर करने वाली आती है, तो जितनी लेडीज़ यहाँ आएंगी सबका पैर कलर होगा, और हल्दी से बेसन मिला के मालिश होगा। जितनी लेडीज़ आएंगी मतलब जो परिवार की रहेंगी, तो उन लोग का मालिश कराया जाता है जो नाम हैं उनसे। तो ये चीज़ यहाँ का हमें अच्छा लगा, हमारे यूपी में ऐसा नहीं होता। हम सबसे अच्छा रिचुअल्स में यही मुझे परफेक्ट लगा। सब पता है यहाँ पर सब लेडीज़ आके बैठी हैं, गाना गा रही हैं, सुबह से खाना बनना, जो कि हलवाई बना रहे हैं पर दुल्हन के लिए अलग से घर में बनाया गया है। तो अभी वो चीज़ दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पर सब लोग लग गए हैं गेंदे के फूल को के सब तोड़ दो, क्योंकि 8 किलो फूल लाई थी मैं, तो सब लोग तोड़ रहे हैं क्योंकि बिछाना है हमें। और साथ साथ पैर भी जितने लेडीज़ हैं सबका कलर हो रहा है, मतलब जो घर की हैं, जो फैमिली में और होती है नहीं बाहर, उन सबका है। तो ये चीज़ बड़ा परफेक्ट लगा। अच्छा, गाना भी हो रहा था, सब दुल्हन का जो आने का वेलकम वाला सब सॉन्ग चल रहे थे, अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पे पता है हम लेडीज़ जो फैमिली की बहुएँ होती हैं, बेटियाँ, वो सब खाना खाएंगी। कपड़े इसलिए लग गए हैं क्योंकि बाहरी लोग पूजा कुछ था यहाँ पे, बाहरी लोग को नहीं देखना है, कुंवारी लोग को, सिर्फ शादीशुदा लोग ये पूजा देखते हैं। होता नहीं अपने कुल देवी देवता की पूजा होती है वो चीज़ को, तो यहाँ पर वो चीज़ हो रहा है। मुझे भी नहीं पता, मैं भी ये सब चीज़ें देख रही थी, मम्मी जैसे पूछ रही थी। तो यहाँ पर खाना खाने के लिए बैठाया गया था। पता है इसमें जो आपको आवाज़, जब खाना खाना स्टार्ट होगा पूजा के बाद ना, तो आपको आवाज़ नहीं करना है, जो चीज़ें मांगना है आपको इशारे से मांगना है। मुझे तो हंसी आ रही, होता नहीं कोई चीज़ आपको मना हो जाता है वो चीज़ मतलब होना ही रहता है। मैं तो जल्दी से खा के उठ जाती कि मेरा दम घुटने लगा था, कौन चुपचाप बैठ के खाएं। तो सब यहाँ पे मतलब जो सब बहुएँ हैं, चाची सास, मेरी भाभी, हम लोग सब मिल के यहाँ पे खाना खा रहे हैं। कोई और खाना सिर्फ हम लोग खाएँगे ये खाना। तो चलिए, हो गया आज का नए दुल्हन का वेलकम कैसे कर रहे हैं, आप लोग देखते रहिएगा और अपना ढेर सारा प्यार सपोर्ट मुझे दीजिएगा जो भी चीज़ यहाँ कर। मेरा पर्पस यही है कि ये सब चीज़ें की यादगार होता है ना, जो नहीं आया शादी वो तो देख सकता है, और आगे चल के हम 2-4 साल में देखेंगे कि हाँ देखो हमने क्या किया था शादी में, क्या चीज़ें हुई थी। तो इसलिए ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं। तो बस आप लोग के यहाँ किसी किसी यहाँ रिवाज होता है बताइएगा, मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम ये था, हमारे यूपी में सब नहीं होता है। तो चलिए अब दुल्हन आएगी तो उसका वेलकम करने के लिए हम लोग रेडी हो रहे हैं। यहाँ पे खाना अभी मैं सजावट जाके करूँगी, सब लोग कर रहे थे पर मैं जब से हाथ नहीं लगाऊँ ना तब से नहीं होता, कोई होता नहीं, मैं गाइड करती हूँ। बाकी मेरे साथ सब मेरी दीदी कहती आप तो सबको असिस्टेंट बना के रखी हो, हम बोले तो उसके लिए भी दिमाग होता है। तो दीदी यहाँ खाना खिला रही हैं मेरी, तो चलिए बने रहे देखते रहे। इधर ऐसे रख दिया जाए जो हो रहा है सब रिकॉर्ड हो। अरे अपने
गुलाब फूल नहीं मिला ना नहीं, वो खाली वो रखती जाएगी पूरी। हाँ गुलाब फूल मिले तब पूजा यही वाला ना। हाँ Yeah.
ये नुकसान तो ना होगा।